अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च एंड हाउ टू डेवलप वेबसाइट और उस पर वर्डप्रेस पे किस तरह से हम वेबसाइट डेवलप करते हैं ये हमने सीखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग होता क्या है? ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि ये अपने नाम से ही वाजे है के कुछ ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना। सो अगर हम इसको फॉर्मली देखें तो अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपनी कंपनी से रिलेटेड तमाम कमर्शियल मैसेजेस एक स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाना और उसके थ्रू अपने डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग की तो हमें समझ आ गई कि ईमेल मार्केटिंग है क्या, और अब हमने ये देखना है कि ईमेल मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। तो कुछ रीजंस हैं जो ईमेल मार्केटिंग के लिए, जो आपको ये जस्टिफाई करेंगी कि ईमेल मार्केटिंग बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ करती है या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस तरह से ईमेल मार्केटिंग किसी भी डिजिटल मार्केटर की हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईमेल मार्केटिंग की रीच बहुत ज़्यादा होती है। आप हैरान होंगे कि फेसबुक के 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, ट्विटर के 255 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। जब आप ये देखते हैं कि 1 बिलियन, 255 मिलियन, तो आपको एक बड़ा ह्यूमंगस सा नंबर लगता है, ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, बड़ा इंप्रेसिव नंबर लगता है। लेकिन इससे भी एक बड़ी चीज है जिसके यूजर सबसे ज्यादा हैं। तो एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक जो वर्ल्ड वाइड टोटल नंबर ऑफ ईमेल अकाउंट्स हैं, दैट काउंट्स टू 6 बिलियन। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट की ऑडियंस को और एक्टिव यूजर्स को कंबाइनली देखा जाए तो उससे 3 गुना ज्यादा ईमेल अकाउंट्स हैं। सो ईमेल मार्केटिंग इसलिए भी जरूरी है कि इसकी रीच बहुत ज्यादा होती है। सो अब जब आपने लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना है, मैस मार्केट को टारगेट करना है या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करना है, तो ईमेल मार्केटिंग इज अ वेरी बेस्ट टूल फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग डिलीवर्स योर मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल का सब्सक्राइबर मिले या फिर आपको फेसबुक का फैन मिले, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या होगा? आप हमेशा ये चाहेंगे कि आपको ईमेल का सब्सक्राइबर मिले, क्योंकि उस ईमेल सब्सक्रिप्शन से उसकी ईमेल एड्रेस आपके पास आ जाता है, जो आप किसी भी टाइम पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केट कर सकते हैं उसको। फेसबुक फैन आपको एक बार मिल गया, उस वो वहां से जा भी सकता है, आपको अनफॉलो भी कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है। सो दो बड़े रीजन हैं कि आप फेसबुक फैन के बजाय ईमेल सब्सक्राइबर को क्यों प्रेफर करेंगे। जब भी आप फेसबुक पे कोई ऐड चला रहे होते हैं तो ये 100% श्योरिटी नहीं होती, ये फेसबुक खुद भी कहता है कि वो इंटेंडेड ऑडियंस को ही डिलीवर हो रहा है, यानी जिस बंदे से वो रेलिवेंट ऐड है उसी को ही जा रहा है। लेकिन ईमेल मार्केटिंग के केस में देयर आर द चांस, 90% ऑफ चांसेस कि ईमेल सिर्फ इंटेंडेड रेसिपिएंट को ही डिलीवर हो। अगेन, फेसबुक ने अपने कुछ एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं ताकि वो आपकी जो एक ऑर्गेनिक पोस्ट है उसके रीच को लिमिट कर सके। लिमिट करेगा तो उसकी पेड एडवर्टाइजिंग चलेगी, सो उसने लिमिट किया हुआ है। सो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है कि फेसबुक पे आप जब भी मार्केटिंग करते हैं तो वो लेस इफेक्टिव एज ए कम्पेयर टू ईमेल मार्केटिंग। फिर ईमेल मार्केटिंग ड्राइव्स कन्वर्जन्स, यानी कि बाकी प्लेटफॉर्म्स कन्वर्जन नहीं ड्राइव करते, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी कन्वर्जन ड्राइव करते हैं, लेकिन जो ईमेल मार्केटिंग है दिस इज आल्सो वन ऑफ द पावरफुल चैनल जिससे हम अपने कन्वर्जन को ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम ट्विटर पे देखें तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट होता है वो 0.5% एवरेज आ रहा होता है, और अगर
फेसबुक पे देखें जो क्लिक थ्रू रेट होता है वो तकरीबन कोई 1.5 के करीब आ रहा होता है, और ईमेल उसी के अगेंस्ट अगर हम ईमेल कैंपेन के क्लिक थ्रू रेट को देखें तो वो तकरीबन 3% होता है। सो इसका मतलब ये है कि ट्विटर और फेसबुक से स्टिल ईमेल मार्केटिंग ड्राइव्स मोर क्लिक थ्रू रेट फॉर एनी ऑफ योर कैंपेन। अच्छा, अब अगर हमने ये देखने में आया है कि बहुत सारे लोग या ऑडियंस जो भी प्रोडक्ट बाय करती है या आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं तो 4.24% ऑफ विजिटर फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग बाय समथिंग एज कंपेयर टू 2.49% ऑफ विजिटर फ्रॉम सर्च इंजन एंड 0.59% फ्रॉम सोशल मीडिया। एक और इसका बड़ा फायदा है कि ईमेल मार्केटिंग जो है और ईमेल इटसेल्फ इज वेरी हाईली मेजरेबल। आप इसके किसने ओपन की है, कहाँ क्लिक किया है, इसने बाउंस कितनी हुई हैं, फॉरवर्ड्स कितनी हुई हैं, सोशल शेयर्स कितने हुए हैं, और भी बहुत सारे जो डिफरेंट मेजरमेंट के वेरिएबल्स हैं वो सारे आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू और ईमेल के मेजर कर सकते हैं। लेकिन बाज प्लेटफॉर्म्स पे इतनी आपको लेवरेज नहीं मिल रही होती है, सो इट्स मोर मेजरेबल देन एज कंपेयर टू अदर चैनल्स। सो ईमेल मार्केटिंग ड्राइव्स मोर कन्वर्जन, ये भी हमारे माइंड में एक आ गई। नेक्स्ट इज कि ईमेल मार्केटिंग जब कन्वर्जन ज़्यादा देती है तो एक कस्टमर आपका शॉपर से कन्वर्ट हो गया रियल कस्टमर में, तो ऐसी बात है एट दी एंड वो आपको कुछ रेवेन्यू दे के आपका प्रोडक्ट कुछ पैसे दे के आपका प्रोडक्ट आपसे परचेज कर रहा है। सो ईमेल मार्केटिंग चूंकि उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा है तो उसका कन्वर्जन रेट होने का मतलब यह है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ईमेल मार्केटिंग है कि अगर आप $1 स्पेंड करेंगे तो वो $38 की आपको रिटर्न उसका देगा, यानी अगर आप ईमेल पे $1 स्पेंड करते हैं तो वो आपको $38 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में आपको देगा। क्यों? उसकी कन्वर्जन ज़्यादा है, उसकी जब कन्वर्जन ज़्यादा है तो उसका ROI भी ज़्यादा होगा। अब बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स आपके पास हैं, पोस्ट मेल है, टेलीविजन एड्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया है, और डिफरेंट फ़ोन कॉल्स हैं, ऑनलाइन है, मोबाइल ऐप है, और डिफरेंट आज मोबाइल एडवर्टाइजिंग है। फिर लेकिन ईमेल देखें, अगर आप देखें कि परसेंट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स तो 70% रिस्पॉन्ड हो जाता है ईमेल पे। तो ईमेल मार्केटिंग द प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल। सो ये सारे रीजंस थी कि जिसकी बेस पे हम ईमेल मार्केटिंग जो हमें ईमेल मार्केटिंग तरफ इंड्यूस करता है, जो हमें ये टूल यूज करने के लिए, और अब हमने देख लिया ये सारे रीजंस की वजह से कि हमारे बिजनेस को या हमारे स्पेसिफिक क्लाइंट को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू क्या फायदा हो सकता है। आप ईमेल मार्केटिंग मैस मार्केट को रीच करते हैं, मैस मार्केट के बाद आप फनलिंग उसकी स्ट्रांग कर लेते हैं, आपके पास जो ग्रुप्स ऑफ पीपल आते हैं वो बड़े इंटरेस्टेड इंटेंडेड किस्म के ग्रुप्स ऑफ पीपल आते हैं, वहां से आप उन पे मार्केट करके आप पे रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग करके उनको आप कन्वर्जन करवाते हैं, और कन्वर्जन से आप अपना ROI जनरेट करते हैं, और ROI जितना ROI जनरेट करेगा वो उतना ही प्रेफर्ड होगा। सो ईमेल मार्केटिंग इज द प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल बिकॉज ऑफ इट्स ROI जनरेशन नेचर। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आपको हाजिर होऊंगा आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हमारे पास ईमेल मार्केटिंग के लिए टूल्स क्या हैं। सो हम उन टूल्स में से सीखेंगे उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।